हेलो एवरीवन स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में और सियोर सक्सेस का ये वीडियो नंबर फोर्टीन है आज थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिल रहा है जिस कारण से थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आज लेट हुआ है ठीक है तो आज हम सियोर सक्सेस सीरीज फोर्टीन को समाप्त करते हैं और इसी के साथ ही सियोर सक्सेस का ये अंतिम वीडियो रहेगा जैसा कि मेरा जो वादा था दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन जो मैं मुझे लगे हर एक क्वेश्चन को मैं टच किया हूं ठीक है इसके बाद एक और भी वीडियो मैं लाऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटजी और क्या क्या हो सकता है वो सारे डिटेल में मैं बात करूंगा और साथ ही कल शाम के छह बजे एक स्पेशल आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको लॉ एज ए कैरियर के ऊपर दिव्यांशु शर्मा बात करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वो आप लोग उसको जुड़ना ना भूले ठीक है कल शाम छह बजे एकदम याद रखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु एज वन द यूएस ओपन टेनिस मेन सिंगल टूर्नामेंट ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कार्लो सलकारेज ठीक है ये क्वेश्चन कई बार करा दिया गया हूं साथ ही साथ ग्रैंड स्लैम वगैरह जितना है टोटल सारा आपको सियर सक्सेस सीरीज में कवर कराया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये जो इसके जो के जो इसके के किए गए हैं, वो किए गए हैं मुनिश्वरनाथ भंडारी को ठीक है मुनिश्वर नाथ भंडारी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर थ्री पेट्रियोट डे इन यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑब्जर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर नंबर डी होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट रिलेटेड है और सितंबर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है जॉस मैनुअल ठीक है मैनुअल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्ट द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ठीक है थोड़ा तो सा ध्यान रखने की जरूरत है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज लिखा गया है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इंडियन आर्मी क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द थीम फॉर आयुर्वेदा डे 2022 2022 का जो आयुर्वेदा डे का थीम क्या है तो ये है आपका हर दिन हर घर आयुर्वेदा यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें इंडिया है डिसाइडेड टू कंट्री कंट्रीज अ गेस्ट ड्यूरिंग इट्स जी प्रेसिडेंसी तो आपको पता होगा जी ट्वेंटी में इंडिया इसका प्रेसिडेंसी करने वाला और ये जम्मू एंड कश्मीर में होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बांग्लादेश ठीक है बांग्लादेश क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए फॉर्मूला इटालियन फॉर्मुला वन ग्रेड फिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इटालियन फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जो विनर है उसका नाम है मैक्स वेस्टेन और दो जो है फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स वो भारत में होने वाला ये भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन है इंडिया इज सेट टू रिइंट्रोड्यूस चीता फ्रॉम न्या्बिया इन विच नेशनल पार्क यानी कुनो नेशनल पार्क यानी ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट हुआ कुनो नेशनल पार्क कहां पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है यानी ऑप्शन नंबर बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रेलवे विल बी इंट्रोड्यूसिंग द न्यू अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कॉल्ड वंदे भारत टू ओके इट विल हैव मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड स्पीड इसका जो है 180 पर किलोमीटर आवर है ठीक है किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर पर आवर यानी क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच स्टेट विल होस्ट रंजीत ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट

तो अभी तक टोटल थर्टीन वीडियो का पीडीएफ मैं उसमें डालूंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये जो 14 के ये जो जो नंबर का लास्ट वीडियो है इसको आप अपडेट कर दिया जाएगा उसी लिंक से इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं तो आराम से आपको पीडीएफ आप के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आप आराम से सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हिंदी दिवस ठीक है हिंदी दिवस इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट जो हिंदी दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो चौदह सितंबर को यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है question है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इन ग्रेटर नोएडा व्हाट इज द थीम ऑफ द समिट आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर बताइए क्या होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो, होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड आपको यह बताना है कि भारत में डेरी समिट कितने सालों बाद आयोजन किया जा रहा है ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चलिए अगला क्वेश्चन है हु वन द आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज एक्ट्रेस इन द सेवेंटी फोर इनमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इनमी अवार्ड आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए वर्ड्स रिलेटेड आपको डिटेल में एक जरूर एक बार जाकर देखिए वर्ड्स को डिटेल में लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जीन स्मार्ट ठीक है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लेकिन एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा यहां पर एक इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन यहां से जो बन सकता है जो पहला पॉइंट है ठीक है उसको पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है ठीक है आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर यहां तो एक्टर्स की बात हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर जो मिला है वो मिला है किसको जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा चलिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर के बाद होता है एक आउटस्टैंडिंग ठीक है यहां आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है यहां पे कॉमेडी सीरीज आउटस्टैंडिंग कमेडी सरीज ये जो मिला है केडलेस हो ठीक उसके बाद है आउटस्टैंडिंग लीडर्स लीडर एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी एक पॉइंट यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आउटस्टैंडिंग है ठीक है लीडर इन ड्रामा कैटेगरी तो ये मिला है ली जंग जे स्क्वायड गेम ठीक है उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है लास्ट जो है यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा ये है आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज तो यह सक्सेशन ठीक है तो आपको इतना कम से कम याद रखना होगा इनमी अवार्ड रिलेटेड और इसे आपको स्पेशल इस पूरा आपको पढ़ के जाना होगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नहीं तो आपको कम से कम इतना तो जरूर पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022 ट्वेंटी तो टू ये जो होस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है सूरत ऑप्शन नंबर नंबर सी करेक्ट आंसर होगा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता जा है पंद्रह सितंबर को करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करें हु बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तो ये गुलाम अली यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर बी चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करें हु बीन द मिलिट्री गैडिसन इन अरुणाचल प्रदेश तो ये जो रिनेम कर दिया गया जनरल बिपिन रावत का और जनरल बिपिन रावत को जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से बिलोंग्स भी, भी करते थे ठीक है भारत के फर्स्ट सीडीएस भी थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च इन विच स्टेट तो ये है आपका आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का ये कहां पर हुआ है तो तिरुपति ठीक है आंध्र प्रदेश का तिरुपति आगे क्वेश्चन में आएगा उसको हम लोग देख लेंगे आगे क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इज गोइंग टू सेटअप इन इंडियन स्टेट विच इंडियन स्टेट तो ये जो सेटअप किया जा रहा है हरियाणा यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ट्वेंटी टू की बात करें रोजर फेडरर हैज हैज रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस ही वन हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम तो इन्होंने रोजर फेडरर ने टोटल बीस ग्रैंड स्लैम जीता यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द अनगन 2022 कॉन्फ्रेंस तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ठीक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की बात करें विच नेशनल फुटबॉल टीम हैज वन द शैफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप टाइटल इन कोलंबो तो ये हमारा प्यारा भारत के द्वारा जीता गया ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच स्टेट सेलिब्रेटेड सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ लीडर ई बी रामास्वामी तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये सेलिब्रेट किया जाएगा तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमत कथपालिया री अपॉइंटेड एज एमडी एंड सी ऑफ विच बैंक फॉर थ्री ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन जीता है इस साल का वो जीता गया ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु के द्वारा ठीक है बेंगलुरु ही करेक्ट आंसर होगा इसको आप एक बार रीचेक कर लेना कि मैं सही हूं या गलत ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट चलिए क्वेश्चन नंबर है UNICEF appointed Nakti, है यूनिसेफ अपॉइंटेड वनीसा वनीसा ठीक ए ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम विच कंट्री एज द गुडविल एम्बेसिडर ऑफ यू एन चिल्ड्रंस फंड युगांडा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा युगांडा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की बात करें विच सिटी हैज बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा अस्ताना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अस्ताना होगा ठीक है एक सेकेंड आप वेट करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है क्वेश्चन नंबर थर्टी Who has been named as the head coach of Mumbai Indians Emirates team? तो यानी सेन बॉन्ड ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और एक हेड कोच के रूप में जो बनाया गया किसको को बनाया गया मार्क बाउचर को बनाया गया और जो साउथ अफ्रीका से वो बिलोंग करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की बात करें साइंस मैगजीन विज्ञान प्रगति विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इ रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूशन तो सी एस आई आर सी एस आई आर इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा चलिए बत्तीस नंबर क्वेश्चन की बात करें विच कंट्री हैज सक्सेसफुली क्लॉन्ड द वाइल्ड आर्कटिक वोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड तो चाइना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये न्यूज में काफी रहा भी था ये बहुत हाईलाइटेड भी हुआ था ठीक है तो इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया भी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस टू सेटअप स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन्स नीति आयोग ठीक है स्टेट्स क्वेश्चन so, का जो करेक्ट एंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र इज द करेक्ट एंसर अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फॉरम तो पीट्सबर्ग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एंसर होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इनोग्रेटेड तो अभी जस्ट बात क्यों ये हुआ था आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट एंसर है एक क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर तो ये कन्फर्म किया गया है स्वाति पिरामल को यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिए अड़तीस की बात करें Which state had decided to introduce no back day? No back day in school यानी इसको जो किया गया decide वो किया गया बिहार के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2022 का क्या थीम है तो इसका जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर डी ठीक है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन फोर्टी की बात करें which country will host वीमेन Asia Cup 2022 तो वीमेन एशिया कप 2020 जो होस्ट किया जाएगा बताइए किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा तो बांग्लादेश ठीक है बांग्लादेश क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे यह लग रहा है ठीक है इंडिया और बांग्लादेश में क्या ऑप्शन होगा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एशिया कप जो होता है वो दो एक क्रिकेट का भी होता है और एक आपका फुटबॉल का भी होता है ठीक है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन को आप एक बार एक कर लेना ठीक है रीचेक कर लेना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ रहा है मुझे इसका करेक्ट आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है तो रीचेक कर लेना इसको answer, इसका मैं ऑप्शन डिलीट कर देता हूं ठीक है तो चलिए नहीं तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा आगे चेक करके चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन की बात करें इंडिया इलांग विथ विच कंट्री कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज अभ्यास इन चेन्नई

जिसका 2023 में इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड बीन ऑनर्ड विद द 2023 ब्रेक थ्रू प्राइस इन मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है डैनियल स्पिलमैन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है दिलीप टर्की

हमर बेटी हमर मान ठीक है हमर बेटी हमर मान कैंपेन फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ चलिए क्वेश्चन फोर्टी नाइन की बात करें हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो यह अपॉइंट किया गया है राजीव बैल को ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई तो दिलीप असबे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन है विच जोन वन द टाइटल ऑफ दुलीप ट्रॉफी 2021-2022 तो ये जो जीता गया है वो होगा वेस्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी टू नंबर लेवर कप ये जो लेवर कप है ये बिलोंग्स टू टेनिस होगा ठीक है टेनिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई लॉन्च ऑपरेशन मेघ चक्र अगेंस्ट विच क्राइम तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर लॉ इंट्रेंस का पेपर दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ठीक है जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कि आप जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्टी जॉर्जिया मेलनी बीकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जो क्वेश्चन है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इस क्वेश्चन को अपडेट नहीं किएंगे इसको अपडेट कर लेना है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इटली नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल टेल तो ये जो अपॉइंट किया गया है यह किया गया है संजय कुमार को यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है

वो मिला है आपको आशा पारे को फिफ्टी वन की बात करें तो रजनीकांत और फिफ्टी की बात करें तो अमिताभ बच्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लता मंगेशकर चौक हैज बीन इनोग्रेटेड यूनिवर्सिटी तो आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर चौक बहुत ही अच्छा एक चौक बनाया गया जिसमें आ, अच्छा मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसमें सेटअप किया गया है तो बहुत अच्छा दिख रहा था इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया था और आज का अंतिम प्रश्न है खत्म करते हैं ठीक है ये आपका sure सक्सेस और इस क्वेश्चन अनिल चौहान नंबर सी इसका करेक्ट आंसर तो पूरा श्योर सक्सेस सीरीज जो है ये फाइनल वीडियो था और इसमें आपको दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक पूरा कवर कर लिया गया है अब बात करते हैं कि करंट तो लगभग करेंट सक्सेस को खत्म करा दिया गया ठीक मंथली करंट भी मैंने कंप्लीट करा दिया आपको श्योर सक्सेस सीरीज भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ सेक्शनल करंट अफेयर से मैंने दिया कुछ मॉक के क्वेश्चन भी लगवाए थे प्रैक्टिस करने के लिए तो एक अच्छा जर्नी रहा सियोर सक्सेस सीरीज का अच्छा रिस्पॉन्स भी आपके तरफ से रहा और इसका पीडीएफ वगैरह जो भी है ठीक है इसका पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज या कल एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उस लिंक से डायरेक्ट आप सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है अब रही बात की लास्ट टाइम पे अब जो बचा हुआ है समय है उसको हम लोग कैसे करंट uh, अफेयर्स को टैकल करें क्योंकि करेंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है कि खत्म नहीं होता है ठीक है उसको खत्म करना पड़ता है खुद से क्योंकि एक समंदर है आपको उसमें चूज करना है लिमिट वे में पढ़ना पड़ता है कि को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो किस तरीके से रिवीजन किया जाए तो एक प्रोसेस के थ्रू कभी सिलेक्शन पाना है तो एक प्रोसेस के थ्रू होता है तो आपको क्या करना है अगर मेरा सजेशन आप माने तो सबसे पहले आपको करना है सक्सेस सीरीज को वीडियो को अगर आप एक बार देख चुके हैं तो आपको एक बार और देखना होगा आप उसको फास्ट तरीके से कर लिए 2x पर 1.5x पॉइंट पे करके देख सकते हैं आपको क्या करना है कि पहला अगर सियर सक्सेस का एक वीडियो आप देखिए और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है अगर कोई क्वेश्चन में आपसे जैसे मान लीजिए सक्सेस वीडियो नंबर देख रहे हैं तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को वहीं पर लिख लेना है ठीक है और उसका आंसर भी बगल में लिख लेना है ठीक है है एक डाउट टाइप का बना लेना है। फिर इसके बाद जब वीडियो नंबर वन देख लेंगे तो आपको पीडीएफ को खोलना है पीडीएफ में खोलने के बाद आप उसके पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करेंगे ठीक है अच्छे तरीके से और उसमें जो क्वेश्चन का डाउट था उसको आप वहीं पर अच्छे से याद कर लेंगे तो इस तरीके से पहले दूसरा वीडियो देखना है फिर उसके पीडीएफ को देखना है साथ ही साथ डाउट को लिखते जाना है जब आपका चौदह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में अब क्या करना है कि जो भी आपके डाउट के क्वेश्चन है वो डाउट के क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है और अच्छे से उसको याद कर लेना है और फाइनली लास्ट टाइम पे श्योर सक्सेस का पीडीएफ से आपको एक बार में पूरा गो थ्रू कर लेना है मुश्किल से आप दो तीन घंटा में पूरा श्योर सक्सेस सीरीज को आप खत्म कर लेंगे तो इस तरीके से लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स का ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना होगा इसके बाद भी कुछ हम सोच रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जो भी एक जगह है करंट अफेयर्स का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यूनाइटेड नेशंस के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड तो उसको भी सोच रहा हूँ कि मैं कवर करा दू एक लीगल करंट अफेयर्स का भी वीडियो दे दू उसका भी रिविजन आपको करवा दूंगा तो इस तरीके से ये रहा पूरा जर्नी सियोर सक्सेस सीरीज का ठीक है तो आप लोग का भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी बने रहने के लिए एक अच्छा जर्नी रहा हम लोग का तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और वीडियो हमारे अच्छे लगते वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद